घोटाले में बड़ी कार्रवाई, 21 साल पुराने मामले में 3 साल की सजा। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाले मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 साल के लिए जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही घोटाले से जुड़े 3 अन्य दोषियों को भी 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। मामला झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितता से संबंधित था। बता दें कि दिलीप रे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री थे। गौरतलब है कि बीते दिनों ही विशेष अदालत ने कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में दिलीप रे को दोषी करार दिया था। उनका ये मामला 1999 में झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितता से जुड़ा है। विशेष न्यायाधीश भरत परासर ने दिलीप रे को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दोषी पाया, जबकि अन्य दो को धोखाधड़ी और साजिश रचने का दोषी पाया गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने दिलीप रे के अलावा कोयला मंत्रालय के तत्कालीन 2 वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्यानंद गौतम, कैस्ट्रॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड इसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड को भी दोषी ठहराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।